उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां आईएएस अफसरों की मौज है, सबसे ताकतवर माने जाते हैं, पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद रिटायर जब हो जाते हैं तब भी उनकी चाहत खत्म नहीं होती, नया पद पाने की चाहत आफ्टर रिटायरमेंट, उनको कोई ऐसा पद चाहिए जिससे कि वो आने वाला 4-5 साल और आराम से निकाल सकें। तो इतने बड़े राज्य में कोई अफसरों की कमी नहीं है, पद भी बहुत हैं, लेकिन ये होता है कि भाई आपका एक से दिल भरता नहीं, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे पार्टी हो, चाहे सरकार हो, चाहे नेता हो, ये जो बड़ी बातें हैं भाई, आप 60 साल तक नौकरी में रहते हैं, उच्च पदों पर जाते हैं, प्रमुख सचिव बनते हैं, ACS बनते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी बनते हैं, उसके बावजूद भी अफसरों से सरकारी सुविधाओं का मोह छूटता नहीं है, इसके लिए वो फिर कैसे आ जाएं, जुगाड़ लगाते हैं, मुख्यमंत्री के सामने आगे पीछे नंबर बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं, दरबार में हाजिरी लगाते हैं। लेकिन आज ये खबर लेने के पीछे मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों दो पद ऐसे हैं जिस पर एक दर्जन से ज़्यादा रिटायर्ड IAS अफसरों की निगाह लगी हुई थी, हालांकि एक में अब कुछ लोग निराश हो गए हैं, वहां निर्णय हो चुका है विद्युत नियामक आयोग में। ये पद अध्यक्ष का बहुत सारे लोगों के हाथ से निकल गया है और अरविंद कुमार जो 1988 बैच के IAS थे और फरवरी में इसी साल रिटायर हुए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया है, 5 साल के लिए वो इस पद पर रहेंगे। लेकिन अरविंद कुमार तो बन गए, लेकिन इस पद के लिए कई सारे बड़े लोग दावेदार थे। सबसे बड़ा दावा था केंद्रीय ऊर्जा सचिव रहे आलोक कुमार का। आलोक कुमार काफ़ी वरिष्ठ थे और उनके लिए केंद्र से भी हरी झंडी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब वो बिजली विभाग के चेयरमैन थे तो उनके ज़माने में एक PF घोटाला हुआ 4,000 करोड़ का, जिसमें सरकार की बड़ी बदनामी हुई और आलोक कुमार अब फिर विद्युत नियामक आयोग में आए थे, जोर लगा रहे थे, जुगाड़ लगा रहे थे, लेकिन जुगाड़ नहीं, काम असर किया, काम को तरजीह मिली। अरविंद कुमार के साथ साथ इस पद के लिए पूर्व IAS डिंपल वर्मा, राजस्व परिषद के वर्तमान चेयरमैन संजीव मित्तल ये भी दावेदार थे। हालांकि अभी इन अफसरों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, रिटायरमेंट के बाद घर पर समय काटने में थोड़ी मुश्किल ज़रूर हो रही है, लेकिन अभी रेरा के चेयरमैन का एक पद खाली है, उसको लेकर भी रेस है, उस कुर्सी पर कई और नए दावेदार भी आ गए हैं, उसमें घमासान ज़्यादा है, जिसमें एक बड़ा नाम संजय भूस रेड्डी का भी है जो UP में रेरा के चेयरमैन बनने के दावेदार बताए जा रहे हैं। तो जिन्होंने योगी सरकार में ये बताया कि वो बेहद ईमानदार हैं, उसका तमगा लिए घूमते रहे, अब रिटायरमेंट के बाद भी वो चाहते हैं कि सरकार उनको कोई इनाम दे, हालांकि उनके पेट पहले से भरे हुए हैं, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन जिसने पूरे जीवन भर सरकारी वाहनों का, सरकारी आवास का, सरकारी नौकर चाकर सुविधाओं का उपभोग किया हो, इस्तेमाल किया हो, वो 60 के बाद एक अगले दिन से अपनी जेब में हाथ डाले, अपने पैसे से पेट्रोल भराए, खुद गाड़ी चलाए, न ड्राइवर, न नौकर, न चाकर, न बंगला, ये बड़ी असहज करती हैं अफसरों की स्थितियाँ, इसीलिए वो इस जुगत में रहते हैं कि कहीं कोई व्यवस्था बन जाए तो कम से कम 3-5 साल किसी आयोग में, निगम में जाकर कुछ और जीवन के समय बिता लिए जाएं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद साहब लोग जब घर जाते हैं तो बड़ी दुर्दशा भी बहुत लोगों को होती है, ना पहले जैसा मान सम्मान रह जाता है, ना बाल बच्चे साथ रहते हैं, ज़्यादातर तो बाहर रहते पड़ते हैं, और जब तक नौकरी में थे रिश्ते बनाए नहीं, तो जब आप रिटायर हो गए तो फिर कोई आपसे रिश्ता रखना भी नहीं चाहता। तो ये बड़ा अंतर है जो सार्वजनिक जीवन में है और जो निजी जीवन में, सरकारी जीवन में रहकर लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, उनकी निजता अलग तरह की होती है, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट उनको इन सब परेशानियों को भी झेलना पड़ता है।